नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में चौक सब्जी मंडी थोक विक्रेताओं ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। बढ़ते हुए कोरोना महामारी को देखते हुए चौक स्थित सब्जी मंडी में भीड़ के कारण प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी को वेस्ली इंटर कॉलेज और अठवरिया मैदान में लगाने का फैसला किया गया, जिसको नकारते हुए थोक सब्जी विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। वहीं चौक सब्जी मंडी व्यापारियों के कोषाध्यक्ष का कहना है कि सोमवार से दुकानें वेस्ली इंटर कॉलेज में लगेंगी। वहीं ठेला फुटकर सब्जी विक्रेताओं का भी कहना है कि इस महामारी में घूमकर सब्जी बेचने की बजाय उन्हें भी एक स्थायी सब्जी बेचने की जगह दी जाए। आजमगढ़ संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। कहाँ ग्रहण वाला? राष्ट्रोला चौक आजमगढ़। क्या कार्य करते हैं? मंडी में दुकान है। क्या वजह है आज आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल? हम लोग की मंडी हटा कर वेस्ली में करने जा रहे हैं। वहाँ पे इतनी घाम है, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई वो नहीं है, व्यवस्था कानून है। वहाँ पे हर रेट का सब्जी बेचाते हैं, उल्टा को पुलटा। दो लोग आएंगे, पुलिस आएंगे, गार्ड आएंगे। यहाँ पे दुकानें 200 हैं, 52 दुकानें का नाम लिखा गया है, पेपर में दिया गया है, 52 दुकानें हैं सिर्फ। उसके सिवा और कोई जो वहाँ पे लगाएंगे तो उनको नहीं लगाने देंगे। आपके कोषाध्यक्ष का कहना है कि प्रशासन से बात हुई है, कल से मंडी वेस्ली और अठवरिया में लगाई जाएगी, तो इससे आपका व्यवस्था क्या है कि मतलब 52 दुकानें हैं, 10 दुकानें लगेंगी अठवरिया मैदान में और 42 दुकानें लगेंगी वेस्ली इंटर कॉलेज में। ठीक, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग नहीं चाहते कि वहाँ पे जाएं, अपने स्वयं दुकान में ही रहें। तो क्या कल से दुकान लगेगी? कल से दुकानें हम लोग की बंद रहेंगी, जिनको जाना है वो जाए, हम लोग की दुकानें बंद रहेंगी, हम लोग नहीं जाएंगे। कब तक? कब तक नहीं, हम लोग की सुनवाई होगी तब तक। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग लेकर मांगे हैं कि अपनी दुकान स्वयं दुकान ही में लगाएं। हम लोग को वहाँ पे धूप में कोई नई सुविधा मिल जाएगी। SDM साहब से बात हुई है तो है कहीं आप लोग अपना व्यवस्था खुद कीजिए। यहाँ मंडी में काफी भसड़ के कारण दुकान वेस्ली में लगवाई जा रही है कोरोना को देखते हुए, तो ऐसे में कैसे आप दुकानें मंडी में लगाएंगे? ऐसे दुकानें में हम लोग जो आगे लगता है वो सब पीछे हो जाएगा, जो सामान ढेरी लगती है आगे आगे सामान सरिया कर वो सब कैड में रहेगा, वो पीछे रहेंगे, हम खुद पीछे रहेंगे, दुकान का सब सामान पीछे रहेगा और पीछे से देंगे कस्टमर। आगे हम लोग के जो जगह पे लगता है सामान वहाँ पे कस्टमर खड़े रहेंगे, गोले में सोशल डिस्टेंसिंग पालन होगा, दो दो मीटर पे गोला बना रहेगा, वहाँ पे खड़े रहेंगे, दो कस्टमर को दिया जाएगा, गेट से सामने गेट से एंट्री होगी, दो गेट है हम लोग के पास, इधर से एंट्री करके बाहर कर दिया जाएगा और इधर सामने से घुसाया जाएगा, तो दो गेट है वहाँ से एंट्री बाहर कर दिया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। नाम है मेरा पंकज सोनकर। कहाँ रहने वाले हो? ये माथुर में लाडी की। क्या कार्य करते हैं? सब्जी का कारोबार करते हैं थोक। तो जैसा कि निर्धारित हुआ था मंडी लगाने के लिए वेस्ली और अठवरिया में, तो क्या ऐसा हुआ कि अनिश्चितकालीन बंदी कर दी गई थी? इससे ये हुआ कि जैसे हमने अगले साल जो है हम लोग 8 महीने 7 महीने तक झेला है, वहाँ पे गर्मी बरसात धूप सब चीज झेला है। ठीक है, और प्लस उसमें जो है कि और इस स्थिति को देख के अगले पारी से ज़्यादा महामारी इस साल है, और वहाँ जो है कि ये दशा है कि धूप भी है और मौसम भी गर्म है। अगर किसी को एक छोटी सी खांसी सर्दी जुकाम बुखार होता है तो कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है। अच्छा, आपके कोषाध्यक्ष का कहना है कि कल से मंडी प्रशासन से बात हुई कि कल से मंडी वेस्ली ऑडिटोरियम लगाई जाएगी, इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब पूरी मंडी के हम लोग सहमत से ही ये हम लोग सोच के विचार बनाए हैं कि मंडी भले ही 2-4-10 दिन नहीं लगेगी तो बंद रहेगी तो बंद ही रहेगी, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहीं रहे दुकान। कहाँ? यह चौक मंडी में, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि वहाँ धूप में कौन जाएगा मरने के लिए। और ऐसे में ठेला सब्जी विक्रेता जो हैं उनका कहना है कि हमको भी जगह चाहिए, तो वो उन लोगों को मंडी से क्या मतलब? जैसे वो लोग अपना बाहर लगाते हैं, वो लोग लगा सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। मिंटू सोनकर, मोहल्ला आनंदपुरा। क्या काम करते हैं? सब्जी का काम करते हैं। कैसे बेचते हैं? हम ठेले पर बेचते हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत हमको ये है कि हमारे पुलिस प्रशासन का कहना है कि ठेले पे आप सब्जी घुमा करके नहीं बेच सकते हैं, यहाँ वेस्ली में आपको जगह मिल रही है, जगह दिया जाएगा तो आप उसी में बेचेंगे। और यहाँ मंडी के लोग कहते हैं कि जिनका नाम पहले से है वही बेचेगा सब्जी, बाहरी लोग नहीं बेचेंगे। तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि यहाँ मंडी है तो इसका कुछ नियम कानून होना चाहिए। नियम कानून में हम लोगों वही लोगों से 5 लोग खरीदते हैं, 10 लोग खरीदते हैं, ये लोग फुटकर भी सब्जी बेच देते हैं। फुटकर में अगर हम बेचेंगे बाहर आपसे खरीद करके, जब आप एक पाव बेच देंगे हम ले जा करके बाहर क्या करेंगे आपसे खरीद करके? तो चाहते क्या है आप? हम यही चाहते हैं कि मंडी का नियम कानून होना चाहिए, किसी 10 किलो बेचिए, 2.5 किलो बेचिए, पाव भर, आधा किलो, 100 ग्राम मत बेचिए।
हम आपसे खरीद के लेके जाएंगे तो पावर 100 ग्राम बाहर बेचने के लिए आपसे खरीदेंगे, जब आप बेच देंगे तो हम क्या करेंगे। तो आप अपनी दुकानें कहाँ लगाना चाहते हैं? हम दुकान अपनी लगाना चाहते हैं ठेले पर, बेचना चाहते हैं। सब बेचा तो कोई मैं क्या नाम है आपका? श्रीकांत मौर्य। क्या काम करते हैं? हम ये सब्जी की थोक की दुकान है। कहाँ पे? यही चौक मंडी में। तो जैसा कि निर्धारित हुआ था कि वैसली में और अठौरी मैदान में मंडी लगाई जाएगी, तो क्या ऐसा हुआ कि अनिश्चितकालीन बंदी कर दी गई? नहीं, यहाँ इसे जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो SDM साहब आए तो क्यों, क्या ऐसी वजह होगी नहीं जाने को तैयार थे? यहाँ वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न धूप की व्यवस्था है, न धूप लगती है, और फिर पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन बाद में SDM साहब कहे कि भाई मंडी यहाँ से हटनी तय है, तो हम लोग मतलब वही समझा बुझा के सभी लोग तैयार कर लिए कि भाई ठीक है, तो मंडी आप लोग इसलिए उसमें अठौरिया में लगाइए। तो कब से लगेगी अब मंडी? हम सोमवार से लगेगी मंडी। कहाँ कहाँ लगनी है? अठौरिया में और इसलिए में। अच्छा, जो ठेला सब्जी विक्रेता है उनका कहना है कि हमको भी जगह चाहिए। उनको मंडी वालों को जगह मिलेगी? उनको नहीं जगह मिलेगी, उनका परमिशन नहीं है। क्या नाम है आपका? छबू। कहाँ के रहने वाले हैं? कटरा ललपुरा। क्या समस्या है आपको? समस्या यही, हम कह रहे सब मंडी में तो हम भी लोग मंडी में बेचेंगे, हम लोग क्या जाएगा, बाल बच्चा पे सब। आप लोग घूम घूम के बेच रहे थे? अरे घूम के बेचता था, एक जगह मंडी खुलता था, सब उसी बाकी घाट पे जाएंगे, बाहर आएंगे ताकि नहीं लेंगे, वही मंडी हम सब लेंगे। सब ये खा रहा हमारे कलिक मतलब है। हाँ, दिक्कत क्या आ रही है आपको? आपको दिक्कत आ रही है, माला मंडी में फुलकरिया बेचेंगे, हाँ पावर 100 ग्राम भरी क्या करेंगे, जिसके जूठे बाल बच्चा वो कहाँ जाएगा कमाने खाने के लिए। बस क्या लगाने नहीं दिया जा रहा है आपको? वही मारे को आप ठेला पे लगाएंगे, यहाँ भगाएंगे वहाँ भगाएंगे, कौन मतलब रहेगा, सब एक ही जगह रहेगा मंडी, सब सलीम कमा खाए, सब पे जाने का नाम पसस्ता जाने का, हम लोग कुछ ही नहीं करें, हम लोग कहाँ जाए।